अमेरिका को एटम बम देने वाले फिजिसिस्ट वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर क्या सोवियत रूस के जासूस थे? क्रिस्टोफर नोलन की भव्य फिल्म ओपेनहाइमर का सबसे रोमांचक हिस्सा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। अमेरिकी सरकार के गोपनीय दस्तावेज जब सामने आए तो यह साफ हो गया कि ओपेनहाइमर की टीम में यानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में सोवियत जासूस मौजूद थे, मगर वैज्ञानिक ओपेनहाइमर खुद सोवियत जासूस नहीं थे। एटमी हथियारों की दुनिया जासूसी के लोमहर्षक किस्सों से लबरेज है। अमेरिकी बम के रहस्य रूस तक पहुंचना इन किस्सों की सबसे रोमांचक दास्तान नहीं है। इससे ज्यादा सनसनीखेज किस्सा यह है कि हिटलर के न्यूक्लियर बम के रहस्य अमेरिका तक कैसे लाए गए। कहते हैं कि जर्मन फार्मूलों से अमेरिका की आणविक रिसर्च को बड़ी मदद मिली थी। पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। जर्मनी का लिप्सिक शहर यूरोपीय संगीत की राजधानी है। शानदार अतीत वाला यह खूबसूरत शहर जर्मनी के सैक्सनी गणराज्य में है। यह शहर महान संगीतकार रिचर्ड वैगनर का जन्म स्थान है। यह हो ही नहीं सकता कि आप लिप्सिक में हों और संगीत के पुरोधाओं जैसे जोहान सेबेस्टियन बाख, मेंडेलसोहन बार्थोल्डी, शुमान और महलर की अमर धुनों को याद न करें। लिप्सिक की यादें तो यूरोप के मशहूर संगीत में बसी हैं, मगर अफसोस आज हम संगीत नहीं बम का किस्सा बयान कर रहे हैं। और इस किस्से में बर्लिन भी आएगा और हैम्बर्ग भी, जो यूरोप की वास्तुकला का म्यूजियम है। मगर इस शहरों की इस फेहरिस्त में कुमेस्टर्फ का नाम जोड़े बिना बात नहीं बनेगी। कुमेस्टर्फ बर्लिन से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में है। 1945 तक यह शहर जर्मनी की नाजी सेना का हथियार डिपो था। यह बात दूसरे विश्व युद्ध के निर्णायक महीनों की है, जब हैम्बर्ग, लिप्सिक और कुमेस्टर्फ सक्रिय हुए। खासतौर पर कुमेस्टर्फ के पास गोटो की रहस्यमय प्रयोगशाला नाजी एटम बम बनाने के करीब पहुंच गई। अब दम साध कर बैठिए, किस्सा बड़ा रोमांचक है। यह बात 1939 की है। बर्लिन के कैसर विलहम इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ अनोखा घटने वाला था। जर्मनी के वैज्ञानिक ओटो हॉर्न और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन यूरेनियम के एटॉमिक न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन बरसा रहे थे। उनकी कोशिश किसी नए तत्व की खोज की थी, पर उन्हें दिखा कि जब UI-235 यानी यूरेनियम का न्यूक्लियस फटता है तो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यही था न्यूक्लियर फिजन का आविष्कार। इसी खोज से एक रास्ता खुला रचना का यानी परमाणु ऊर्जा का, और दूसरा विनाश यानी नाभिकीय हथियारों का। अब मंच पर आते हैं दुनिया के प्रख्यात भौतिकीविद वर्नर हेजनबर्ग। यदि आपने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर देखी है तो हेजनबर्ग उसमें नजर आते हैं। वैसे भी अगर विज्ञान के मोहल्ले में आपका आना जाना है तो हेजनबर्ग का नाम कुछ सुना हुआ सा लगेगा। क्वांटम मैकेनिक्स का अनसर्टेनिटी का सिद्धांत तो स्कूलों में पढ़ाया गया होगा। यह वॉरेन हेजनबर्ग की देन था। हेजनबर्ग को क्वांटम मैकेनिक्स में अपने शोध के लिए 1932 में नोबेल अवार्ड मिला था। हेजनबर्ग जर्मनी के विज्ञान केंद्र कैसर विलहम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के मुखिया थे। हेजनबर्ग ने न्यूक्लियर फिजन की तकनीक को प्रयोग में लाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। इस परियोजना का नाम था यूरेनियम क्लब। हैम्बर्ग का कैसर विलहम इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स इस न्यूक्लियर परियोजना का केंद्र था। हेजनबर्ग यहीं से इसका संचालन करते थे। लिप्सिक की टेक्सटाइल केमिकल रिसर्च प्रयोगशाला में यूरेनियम ओर का शोधन हुआ और इसे यूरेनियम निकाला गया। ओरियनबर्ग में हैवी वाटर पर रिसर्च की गई। कुमेस्टर्फ के गोटो में यूरेनियम के इनरिचमेंट की कोशिश शुरू हुई। यह सारी कोशिशें हथियार के स्तर के यूरेनियम को बनाने की थी। हेजनबर्ग को पता था कि उनके पास बम बनाने के साधन नहीं है, लेकिन शोध काफी आगे तक पहुंच गया था। दस्तावेज ये नहीं बताते कि यूरेनियम क्लब की परियोजना को हिटलर का समर्थन था या नहीं। नोलन की फिल्म ये बताती है कि हिटलर क्वांटम मैकेनिक्स के पक्ष में नहीं थे और इसे वे यहूदी विज्ञान कहते थे। इसलिए नाजी एटम बम पर लिखने वाले कहते हैं कि हेजनबर्ग इस परियोजना को बेहद गुप्त रूप से चला रहे थे, क्योंकि अगर हिटलर को यह पता होता तो यह बम बन चुका होता। हेजनबर्ग की टीम जब यूरेनियम रिएक्टर बनाने के करीब पहुंच गई, ठीक उसी वक्त हिटलर की हार की शुरुआत हुई। कहते हैं 1945 में जर्मनी ने एक छोटा न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, मगर एटम बम बनाने का सामान नहीं जुट पाया। अब यहां से शुरू होता है नाभिकीय जासूसी का अनोखा अध्याय। 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ। अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में दखल दिया। इस दौरान अमेरिकी सेना की निगाहें जर्मनी के वैज्ञानिकों पर थी।
ब्रिटेन और अमेरिका की साझा इंटेलिजेंस को उस यूरेनियम क्लब की जानकारी मिल गई थी जिसे हेजनबर्ग चला रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि जर्मनी का शोध तेज था और अग्रिम चरण में था। ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बीच अमेरिका ने एक खास जासूसी मिशन तैयार किया। इस मिशन का नाम था एल्सास मिशन। एल्सास एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है छोटा सा बगीचा। इस मिशन में कई वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैन्य अधिकारी थे। इनका मकसद था नाजी एटम की जासूसी और तकनीकी जानकारी जुटाकर अमेरिका लाना। अमेरिकी सेना में काउंटर इंटेलिजेंस के मुखिया कर्नल बोरिस पाश इस मिशन के हेड थे। इधर जर्मनी में हिटलर की हार तय देखकर वैज्ञानिक हेजनबर्ग ने अपनी प्रयोगशाला को हाइगरलोश पहुंचा दिया। हाइगरलोश दक्षिण पश्चिम जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ वे न्यूक्लियर रिएक्शन का अपना 8वां प्रयोग करना चाहते थे। इसी बीच एल्सास मिशन ने हाइगरलोश की प्रयोगशाला पर छापा मार दिया। अमेरिका के कर्नल बोरिस पाश ने हाइजनबर्ग की प्रयोगशाला को कब्जे में ले लिया। अमेरिका को जर्मनी के न्यूक्लियर रिएक्टर का शुरुआती मॉडल मिल गया था। इसके साथ ही नाजी एटम बम से जुड़े अन्य केंद्र भी अमेरिका के नियंत्रण में आ गए। मई 1945 में हाइजनबर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे एटम बम बनाने के सभी दस्तावेज लिए गए। अमेरिकी सेना को पता चला कि हाइजनबर्ग की प्रयोगशाला एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब थी। बस केवल साजो सामान की कमी थी जिसके कारण रिएक्टर पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया था। अलबत्ता अमेरिका का एटम बम तब तक तैयार हो चुका था। एल्सास के जासूसी मिशन से आई सूचनाओं ने युद्ध के बाद अमेरिका के नाभिकीय रिसर्च को बड़ी मदद की। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो बम छोड़े गए। इसके बाद घटनाओं का चक्र तेजी से घूमा। हाइजनबर्ग को जनवरी 1946 में ब्रिटिश अधिकारी ने रिहा कर दिया और उन्हें दोबारा कैसर विलहम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पद पर नियुक्त कर दिया गया। जरा ठहरिए कि साबी खत्म नहीं हुआ है। इसकी कुछ और परतें हैं जो बला की रोचक हैं। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरी दुनिया को उस यूरेनियम की तलाश थी जिसका इस्तेमाल हाइजनबर्ग के प्रयोग में हुआ था। बताते हैं कि वारन हाइजनबर्ग ने बम बनाने के अपने प्रयोगों में यूरेनियम के 664 क्यूब्स का इस्तेमाल किया था। इनमें एक क्यूब 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के वैज्ञानिक टिमोथी कोयत के पास पहुंचा। कॉस्मोस मैगजीन में एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि वैज्ञानिक टिमोथी कोयत को एक पैकेट मिला था जिस पर लिखा था, टेकन फ्रॉम द रिएक्टर दैट हिटलर ट्राइड टू बिल्ड, गिफ्ट ऑफ निंजिंगर। कोयत ने मामूली जांच से जान लिया कि यह यूरेनियम उसी परिवार का है जिसकी मदद से हाइजनबर्ग रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर यह निंजिंगर कौन थे जिन्होंने मैरीलैंड के वैज्ञानिक को यह तोहफा भेजा था? कोयत को पता चला कि रॉबर्ट जे निंजिंगर 1945 में कुख्यात मैनहट्टन प्रोजेक्ट के मरे हिल एरिया के प्रॉपर्टी मैनेजर थे। निंजिंगर ने मिनरल्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी नाम की किताब भी लिखी थी जो 1945 में प्रकाशित हुई। निंजिंगर के नाम से भेजा गया पैकेज या तो उन्होंने भेजा था या उनका नाम गलत था, यह रहस्य आज तक नहीं खुला। लेकिन नाजी बम बनाने में इस्तेमाल हुए यूरेनियम में अभी तक केवल 10 क्यूब का पता चल पाया है। बाकी कहाँ है इसका कोई पता नहीं है। ओपेनहाइमर यहूदी थे। नाजी आतंक के प्रति उनका गुस्सा स्वाभाविक था और यही उन्हें उस एटॉमिक बम परियोजना के साथ जोड़ता था। मार्क्सवाद के साथ उनके रिश्तों की चर्चा लगातार होती रही। उनकी गर्लफ्रेंड जीन टेटलॉक अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य भी रहीं। लेकिन ओपेनहाइमर पर क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म बनते बनते अमेरिका में और भी कुछ हुआ। मगर ओपेनहाइमर जासूस नहीं निकले। जासूस तो निकले वैज्ञानिक कार्ल फॉक्स, जिनका किस्सा फिर कभी। बहरहाल बीते साल जब क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपेनहाइमर एडिटिंग में थी, उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा फैसला लिया। दिसंबर 2022 में व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि ओपेनहाइमर पर सुरक्षा संबंधी आरोप वापस लिए जाते हैं और अमेरिकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फैसले को रद्द किया जाता है। एनर्जी कमीशन का यह फैसला 1945 में हुआ था। 1967 में ओपेनहाइमर नहीं रहे, मगर उन पर लगे शक की जाँच आज तक जारी थी। खुफिया दस्तावेजों ने यह तो सिद्ध किया कि अमेरिकी एटम बम के रहस्य रूस को पहुंचाए गए थे। इन्हीं सूचनाओं की मदद से सोवियत रूस ने 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान के सेंपलाटिंस्क में न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया था। तो यह था आज का किस्सा।
बताइए आपको कैसा लगा, हमारी टीम को आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। मनी नाइन का ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें बताइए कि कुछ कौन से और किस्से आप सुनना चाहते हैं किस्सों के सिक्के में।